अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आपके। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सफर यहाँ अजरबैजान के शहर बाकू से। आज हमारा ये लास्ट व्लॉग है बाकू की सीरीज का, यानी कि अजरबैजान की सीरीज का, लेकिन बहुत जल्द आपको लेके चलेंगे बहुत अमेजिंग और जगहों पे। अभी वैसे मेरे पिछले यानी कि रशिया के टूर का भी मॉस्को का व्लॉग बाकी है, जो कि इंशाल्लाह अजरबैजान के सीरीज के बाद मैं बहुत जल्द रिलीज करने वाला हूँ। सो वेलकम फ्राम द डे 5th ऑफ अजरबैजान टूर, और हम लोग तकरीबन पिछले एक घंटे पहले जो हैं वो बाकू से निकले हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स गबाला। गबाला जो है वो तकरीबन मिनिमम बाकू से जो है 4.5 घंटे की ड्राइव है। इट्स अ हिल स्टेशन, इट्स अ माउंटेनियस एरिया, और तकरीबन 2 घंटे से हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, और अभी हमने मोटरवे के ऊपर जो है अपनी गाड़ी को रोका है जस्ट टू हैव अजरबैजानी टी। बहुत फेमस है, हिबिस्कस की होती है, बहुत सारे और डिफरेंट ऑर्गेनिक हर्बल और फ्लोरल इसके अंदर चीज़ें डली हुई होती हैं। तो 2 दिन पहले भी हमने पी थी, तो हमने बोला कि चलें दोबारा से एक ब्रेक लेते हैं। सो थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि जिस रेस्टोरेंट में रुके हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल कैफ़े। सो लेट मी गिव यू पहले, गौहर अली अमीन साहब हमारे साथ इस टूर पर साथ हैं, नुमान खान के साथ मेरा ये सेकंड टूर है। पहले शायद मैं उस दौर में व्लॉगिंग नहीं करता था जब हम दुबई भी साथ गए थे, लेकिन समझ लें कि मेरे भाइयों की तरह हैं गौर साहब भी, नुमान भी, और टूर का मज़ा जो है वो दुबाला हो गया इनके आने की वजह से। साथ साथ अर्जुमन इज़ आर न्यू फ्रेंड, एंड यू हैव सीन हिम, ही इज़ अजरबैजानी, यू हैव सीन हिम इन आर अपशेरॉन वीडियोज़ एज वेल एज इन द सिटी टूर वीडियोज़ एज वेल। ही इज़ अ लवली फ्रेंड एंड आई हैव इनवाइटेड हिम फॉर पाकिस्तान फॉर अ टूर। So say hi to the viewers. I will come. Thank you. So let me give you a tour of this cafe. Beautiful cafe. Look at this. And it smells good. सो हम गबाला पहुंच चुके हैं इस टाइम। इसको कल जब हमने अपने बेसिकली जो हमें यहाँ पे टूर करा रहे हैं उनसे जब पूछा था गबाला के बारे में, तो उन्होंने बोला था कि दिस इज़ सिमिलर लाइक स्विट्जरलैंड, और आप देख सकते हैं कि वाकई में कोई कमी नहीं है। द वैलीज़, द लैंडस्केप्स आर वेरी वेरी अमेजिंग। बट जैसे ही हम उतरे तो हमारे ड्राइवर ने एक और चीज़ ये बताई है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस इन अजरबैजान। तो चलें एक्सप्लोर करते हैं। अभी हम गबाला लेक पे आएँ, तो लेट मी टेक यू ओवर देयर। लुक एट दिस ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू। ये आप देख सकते हैं कि वैसे ही इंसान आके जो है यहाँ पे फ्रेश हो जाए। द फ्लावर्स, द हॉर्टिकल्चर, द गार्डनिंग, आप देखें कि एक अलग एक्सपीरियंस है, एक खूबसूरती है। एयर बहुत फ्रेश है, पूरा वेदर बहुत फ्रेश है। 2 के यहाँ पे धूप हो रही है, लेकिन धूप के बावजूद बड़ा प्लेजेंट वेदर है ओवरऑल। तो लेट मी टेक यू टू द गबाला लेक। What a beautiful view! I think कि अगर हम यहाँ नहीं आते तो वो एक बहुत बड़ी एक कमी रह जाती है हमारे पूरे टूर में। तो मैं आपको लेक की तरफ ही लेके चल रहा हूँ। This is Gabala Lake. Okay.
अब हम पहुंच गए हैं गबाला के खूबसूरत लेक पर। यह झील अपनी खामोशी और सुकून भरे आसार के लिए मशहूर है। इस झील के चारों तरफ से घेरी हुई सब्ज वादियां और बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां, दो हम समर्स में आए तो बर्फ अभी नहीं है, लेकिन दूर दूर से मुझे बर्फ कुछ पहाड़ियों पर नजर आ रही है, वाकई में एक ड्रीम लाइक सीनरी देती है। پاکستان پاکستان خوش آمدید خوش آمدید زندہ باد زندہ باد السلام علیکم نیم نیم گوہر پاکستان لا گبنے روح خوش آمدید روح سلام علیکم بلال 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 جناب ہمارا رحمتی انا بیا محبتی پاکستان لا پکڑا دو ان کو بلال جناب خوش آمدید بلال جناب سلام علیکم नोमान 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 यहाँ पे बोटिंग भी होती है, तो हमने सोचा क्यों ना पानी में छोटी सी बोट राइड भी की जाए, लेकिन हमें पता चला कि उस दिन बोटिंग ऑफ थी। जिस तरह के अर्जुमान ने बताया था कि यहाँ पे गबाला जो है ये एक महंगा टूरिस्ट स्पॉट है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये डोनर कबाब यहाँ पे ले रहे हैं तो ये 6 मनात का एक है, जबकि अगर हम यही चीज़ जो है बाकू में लेते हैं तो 2.5-3 मनात से ऊपर का नहीं होता। तो खैर, दिस इज़ द कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट पर आपको देनी पड़ती है। तो उसके अलावा इनके पास और भी चीज़ है, दिस इज़ पार्मेजन चीज़, दिस इज़ सैलड, they can make all the salads and add parmesan cheese and bake it inside that potato. All right guys, so we are inside a forest of Gabala Valley. तो यार, सबसे पहले हम पहुंचे हैं गबाला के मशहूर वाटरफॉल पर। ये ठंडी और ताजगी भरी हवा और सामने बहने वाला शोर मचाता पानी वाकई में एक अलग ही महसूसियत पैदा करता है। यहाँ आके लगता है जैसे वक्त रुक सा गया हो, बस नेचर का एक खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए बनाए गए हैं। अब हम पहुंच चुके हैं गबाला के केबल कार स्टेशन पर। ये तो एडवेंचर और फन का परफेक्ट मिक्स है। केबल कार में बैठते ही सामने जो नज़र आता है वो वाकई में माइंड ब्लोइंग है। यहाँ पे हमने बनाए कुछ अमेजिंग से दोस्त अपने पड़ोसी मुल्क के, और दूर तक सिर्फ आपको पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, नेचर के बहुत खूबसूरत मनाजर नज़र आते हैं। केबल कार के इस राइड में आपको प्योर गबाला का बर्ड्स आई व्यू मिलता है, और ऑनेस्टली ये एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। गबाला में हर तरफ आपको इतने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं कि आप बस रुक के हर जगह को देखते रहने का दिल करता है। यहाँ पे वाकई में बैठ के या तो आप कोई पोइट्री लिखें, या फिर आप कोई ना कोई स्केच बनाएं, या फिर आप कुछ ना कुछ ज़रूर क्रिएट करें। तो दिस इज़ अ प्लेस फॉर क्रिएटिव पीपल कि वो यहाँ पे बैठें और इंजॉय करें और कुदरत की इस लुत्फ़ अंदोज़ मनाजिर से जो है कुछ ना कुछ दरियाफ्त करें।
चारों तरफ हरी भरी वादियाँ और सफ़ेद बर्फ की चादर से लिपटी हुई पहाड़ियाँ। ये मंज़र आपके कैमरे में कैप्चर करने से ज़्यादा आपके दिल में बसने वाला है। ये शहर एक विजुअल ट्रीट है और एडवेंचर के साथ सुकून भी प्रोवाइड करता है। जी नाज़रीन, तो इस टाइम हम गबाला फॉरेस्ट में हैं। गबाला टूरिस्ट स्पॉट से हम नीचे उतरे हैं, जो वहाँ का रिजॉर्ट था वहाँ से नीचे उतरे हैं, और रास्ते में ये गबाला फॉरेस्ट में हमें हनी फार्मिंग नज़र आई है। आप देखें, नुमान खान जो हैं वो बेसिकली इस टाइम हलवाल ले रहे हैं और रेट्स पूछ रहे हैं और हनी की क्वालिटी अश्योरेंस पे निकले हुए हैं बेसिकली कि किस लेवल की जो है वो हनी फार्मिंग हो रही है यहाँ पे। ये हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे जो हमें वापस बाकू लेके जाएगी। गबाला से बाकू जो है तकरीबन 4.5-5 घंटे का प्राइवेट कार में जो है वो सफ़र है। अगर आप बस में आ रहे होते हैं तो तकरीबन 7-8 घंटे लग जाते हैं। फ्रेश हनी बी फार्मिंग, वाओ। आप इस टाइम देख सकते हैं कि हम मोटरवे पे हैं और जा रहे हैं गबाला से बाकू की तरफ, और शाम के पूरे 7 बज रहे हैं, लेकिन धूप से अंदाज़ा होता है कि जैसे कि दोपहर के 2 या 3 बज रहे हों। आप देख सकते हैं क्योंकि ये एरिया जो है ये लगता है रशियन बॉर्डर पे, और रशिया में वाइट नाइट्स बहुत मशहूर हैं क्योंकि वहाँ पर तकरीबन रात को 11 बजे तक जो इसी तरह की धूप निकल रही होती है। तो इसी वजह से यहाँ पर भी वाइट नाइट्स का ये इस टाइम आप एक मंज़र देख सकते हैं कि रात शाम के तकरीबन रात ही कहूँगा कि 7 बजे कड़ाके वाली धूप निकली हुई है, और अभी भी तकरीबन 2 घंटे मैं समझता हूँ कि मज़ीद और लगेंगे मगरिब की तरफ जाते हुए। तो ये भी एक मज़ेदार मेरे व्यूअर्स के लिए जो एक्सपीरियंस मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसा भी जब आप देखते हैं तो आपको बड़ा अमेज करता है कि रात शाम के या रात के टाइम जो है धूप निकली हुई है किसी मुल्क के अंदर।